भाई हो भाई। तुषार धालीवाल का आप लोग कई सालों से इवेंट्स कवर करते आ रहे हैं, आज एक नया इंटरनेशनल इवेंट के लिए शुरू हो रहा है, तो हम तुषार धालीवाल को बुलाना चाहेंगे, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। तुषार जी आइए। थैंक यू अंकल। यस तुषार जी, आज के इस आयोजन के बारे में बताइए, क्या है? सो बेसिकली एवरी ईयर जिस तरीके से हम लोग अपने कंटेस्टेंट या अदर कंटेस्टेंट को इंटरनेशनल पैजेंट के लिए भेजते हैं, तो इसी तरीके से आज हमारे पीछे अपूर्वा राय जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल पैजेंट पे, जिसका नाम है मिसेस यूनिवर्स, तो मैं अपूर्वा जी को ही बुला लेता हूँ। सो अपूर्वा राय आज ये जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने मिसेस यूनिवर्स में, जो पैजेंट होने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका कोरिया में इन दिसंबर। अपूर्वा जी, आजकल एक ट्रेंड निकल पड़ा है कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो प्रेजेंट पे जा रही हैं, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? अपूर्वा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या चीज़ करती हैं, क्या आपको पसंद है, क्या ना पसंद है? ओके, आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम मैसूर कर्नाटका, मैरिड टू पवन शेट्टी एंड आई हैव अ 3-year-old डेट विद अ बेबी बॉय एंड प्रोफेशनली आई एम अ फिजिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एंड अ बिजनेस वुमन, वी हैव मल्टीपल बिजनेसेस, आई लाइक टू यू नो बी अ बिजनेस वुमन ऑल्सो, बट दिस इज माई पैशन, सो आई वॉन्ट टू यू नो लीव माई ड्रीम, दैट्स आई एम पार्टिसिपेटिंग। हाउ डिड यू गॉट इन टच विद अर्चना तोमर एंड तुषार धालीवाल? How did you got in touch with them? I saw all these websites. I always used to go through all these stories. Is there anything related to Mrs.? And I got in touch with Tushar and Madam. They were really good. I got good support from them and एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि हमें एक क्वीन के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी मिली है, और जो मदर बिल्कुल नहीं लगती हैं, और ये हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि 2016 फेमिना मिस इंडिया के अंदर ये टॉप 5 विनर में थे। आप ये बताइए कि आज के और अन्य आपके मुख्य मेहमान कौन हैं, उनसे मिलाएंगे? तो हमारे साथ हैं फर्स्ट पवन शेट्टी जी, तो ये अपूर्वा जी के हस्बैंड हैं, बेटा हाफ, बेटा हाफ, यस सर, नाउ इज ऑल अप टू यू, आई एम लीविंग द स्टेज। मिस्टर शेट्टी, टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट यू। My name is Pawan Shetty. Basically, like Apoorva has briefed, we are into business. I'm a businessman myself. We are into multiple businesses. And when I talk about Apoorva, Apoorva always had a dream to represent India internationally. So she was a finalist of Femina Miss India 2016. So though she's doing excellent in her business, she is a very hardworking. She's a wonderful mother, but with that there was something missing that she wanted to do. It was striking inside that ye karna tha, ye karna tha. And when we were sitting and talking, we came across this is India universe. And suddenly we discussed and said, see, there is something for married women also. Mm-hmm. It is not that a single girl or an unmarried woman only can do such things. And we talk about Mrs. India Universe, it's also to represent country for something related to a social cause also. There are many things, many good things when you talk about Mrs. India Universe, and that is how I'm solid rock behind her column, and I'm very sure that she will do wonderful in the event that is coming in, it's coming up in South Korea, and very fortunate to get associated with Tushar. Please come, Tushar. Because we met a few people, but to reach a goal, you should select the right path. The right path is
very important. I think we have met the right person. Thank you so much. Tushar has been coordinating with us and he's been very kind. He's been very supportive from Purva and he's been looking her, educating her as what is Purva. Thank you. Thank you. Now stop everyone, sir. सब लोगों को बुलाइए पहले ग्रुप फोटो हो जाए क्या कहना चाहिए सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपने सब्जेक्ट सवाल किया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडिया की फीमेल्स जो आउट ऑफ इंडिया नेशन वाइड जाके आओ इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो कर रहे हैं और नॉट ओनली मिस नाउडेज आई हियर कि मिसेस आर डूइंग मच बेटर देन मिस और इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया के मिसेस आफ्टर मैरिज लुकिंग सो ब्यूटीफुल गॉर्जियस एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इंटरनेशनली एंड लॉट ऑफ पीपल आर विनिंग टाइटल्स फॉर अस तो ये सबसे बड़ी बात है सेकेंडली व्हेन शी इज़ गोइंग आई एम एज अ प्राउड इंडियन इट इज़ अ सो प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन दैट इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू नो हमारी कंट्री की एक लड़की जा रही है और मिसेस को प्रेजेंट कर रही है एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू हर दैट शी गेट्स द टाइटल बैक टू आवर कंट्री वॉट एवर बेस्ट वे शी कैन डू And I also appreciate the people like Tushar, Halival and the others, the team members who are doing best for this, bring such kind of talent and send them international. So it's a proud moment for India and for all of us. Thank you. Dr. Sagar, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में और अप्रूव और आईपी के बारे में सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस So if you actually trace her journey, she already mentioned that she was with Tamil Nadu India and she was a finalist. Finalist होके भी जो इनका सपना था इंडिया को रिप्रेजेंट करना वो नहीं हुआ बट उन्होंने सपना देखना भी नहीं छोड़ा और सपने के पीछे भागना भी नहीं छोड़ा ये हम सबके लिए भी एक एग्जाम्पल है दैट डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज यू गेट मैरिड और यू गेट बिजी विद समथिंग एल्स और यू हैव मल्टीपल बिजनेस एज शी सेड जो आपके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने का कोई एज नहीं रहता एंड शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल वही फाइनल में वो पहुँच चुकी थी बट जीती नहीं थी बट अब उनका जो सपना है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का दैट इज एक्चुअली हैपनिंग सो कुडोस टू हर कंग्रेचुलेशंस टू हर कंग्रेचुलेशंस टू द फैमिली फॉर बीइंग सो सपोर्टिव मेकिंग श्योर दे आर पुशिंग हर हेल्पिंग हर टू मेक हर अचीव हर ड्रीम्स एंड आई एम श्योर शी विल मेक इंडिया प्राउड थैंक यू Yes, first of all, congratulations. She's a true inspiration. और मैं यही मानता हूँ सीरियसली अपने ड्रीम को फॉलो करते रहो चाहे एज आपकी छोटी है चाहे बड़ी है चाहे शादी हो चुकी है नहीं हुई है तो मैं हमेशा से सबका सपोर्ट करता हूँ बल्कि मैं तुषार और अर्चना के पहले भी इवेंट्स का आया हूँ तो हमेशा से कराते रहे और मैं आता भी रहूँगा क्योंकि इन लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलता है और यूथ को भी मिलता है हम लोग को भी मिलता है और जो मिल सो है सीरियसली मतलब आगे ऐसे नाम रोशन करें इंडिया का मैं तो ये पूछूँगा कोई प्लान है उनके साथ काम करने का म्यूजिक वीडियो में क्योंकि आप बहुत सारे हमेशा से अपने टैलेंट और अच्छे फेजेस की तलाश होती है सबको तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जी बाबा क्या कर रहे हो नीतू वाधवा आ गई है मैं उन्हें उन्हें बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर नीतू जी प्लीज आप आइए और तो भाई कहाँ है यार अपूर्वा ने जो ऑलरेडी मुझे फ्लैट कर दिया कि हाइट इतनी अच्छी है मैं हमेशा से सोचती थी कि ब्यूटी पेजेंट्स के लिए हाइट चाहिए होती है सो वन राउंड शी इज ऑलरेडी क्लियर्ड बाकी लोग जो भी बोले बट अपूर्वा यू गॉट अ अमेजिंग हाइट एंड आई विश यू गुड लक यू विल एट लीस्ट क्लियर योर हाइट राउंड And I wanted to say to Tushar sir who organized such kind of event and gave opportunity to the man commenting. आपको सवाल वापस तुषार हरिवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कैमरा लुक दीजिए तुषार के बारे में जी तुषार के बारे में मैं क्या कहूँ मतलब हमेशा हर साल एक ऐसा
ऐसा सरप्राइज दे जाती हैं जो एक्चुअली सोचा नहीं था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो ब्यूटी पेजेंट्स यू कैन जस्ट ड्रीम अबाउट इट. जब आप सोचते हैं, हर लड़की का एक सपना होता है बेसिकली कि मुझे सुपर मॉडल बनना है और ब्यूटी पेजेंट में जाना है. बट तुषार इतना अच्छा काम करते हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की को भी यू नो एक ऐसा मॉडल बना के खड़ा कर देते हैं. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू से गलत बात है, ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है. बेस्ट तो नहीं कह सकती, बट आई थिंक ही इज़ द बेस्टेस्ट. बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान एक स्पेशली लड़की के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना. क्योंकि आप जो मैं हमेशा से हमारे इस इंटरव्यू में हमेशा से बोलती आई हूँ, तो शायद मैं फेमस इन्फ्लुएंस चीज़ के लिए, कि मैं हमेशा बोलती हूँ तुषार को कि एक एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए आप ऑर्गेनाइज करिए. और उन्होंने काफ़ी हद तक किया, तो आई थिंक ही इज़ गॉट माई ऑल रिस्पेक्ट. तुषार के लिए तो एक ही वर्ड है और उसके साथ साथ एक और चीज़ है. लेकिन नीतू जी एक बात बताइए, बेस्टेस्ट तो तुषार है ही, लेकिन अपनी शादी की खबर कब देंगे? शादी आप लोगों को मैं कुछ अच्छी नहीं लगती. मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तुषार हाली बात. अच्छा तुषार सब मैरिड वुमेन्स को सबको सपोर्ट करते हैं, खुद कब शादी कर रहे हैं? तो मैरिड वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक्चुअली तुषार का ये, क्योंकि मिसेस इंडिया कैसे आता है, वंस अ वुमन इज मैरिड ऑफ कोर्स. तुषार की शादी जब होगी तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा. आप लोगों से कहाँ छुपने वाला है कुछ, जितना छुपा लो. बट यू गाइस हो सकती है कि मैं ही बता दूँ तुषार की शादी. पूरा आपका कैमरा आ रहा है, दूसरा पवन आ गया. हम लोग कैसे करेंगे? अवार्ड दीजिए, हाँ ठीक है चलो. है आप हो, आप हो. फोटो लिया थोड़ा सामने देखिए, एक मिनट एक मिनट, यहाँ देखिए सामने. चलिए थैंक यू. अच्छा दिख रहा है. Yeah.